राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में दूसरे दिन भी धन्यवाद प्रस्ताव जारी है। दूसरे दिन भी सत्ता पक्ष के लोगों ने राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर उन्हें घेरा है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से संतोष पांडे ने उन्हें शायराना अंदाज में मुंह तोड़ जवाब दिया है। साथ ही राहुल गांधी से तत्कालीन कांग्रेस सरकार में हुए महादेव घोटाले पर भी सवाल दागा है। अब संतोष पांडे का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहुल गांधी जी बार बार भगवान शंकर का फोटो दिखा रहे थे। वो भगवान भोलेनाथ हैं, भगवान शंकर हैं, ये आपकी फितरत में है। आपने छत्तीसगढ़ में, मैं नाम नहीं लूंगा आपके पूर्व मुख्यमंत्री का, जो निपटा दिया छत्तीसगढ़ को और वो आकर के लोकसभा में भी निपट गए। वो महादेव जी के नाम से सट्टा चला रहे थे जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ने निपटा दिया। आपको ध्यान होगा 6,000 करोड़ से ऊपर का सट्टा जिसका संचालन आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने किया। भगवान शंकर को ऐसे आसानी से ना ले और बात बात में चित्र दिखाने की कोशिश ना करे। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने सबसे पहले अखिलेश यादव पर पलटवार किया। अखिलेश जी, जरा से कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हो फलसफे में। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। यहाँ बैठे सभी लोग उसी प्रकार की बातें कर रहे हैं। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष कल बार बार भगवान शिव की तस्वीर दिखा रहे थे। वो भगवान भोलेनाथ हैं। छत्तीसगढ़ में आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री महादेव जी के नाम पर सट्टा चला रहे थे। वे लोकसभा चुनाव में भी निपट गए। आपको ध्यान होगा कि 6,000 करोड़ से अधिक के सट्टे का संचालन आपके पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे थे।